कानपुर नगर से है। बाबा वरदानी एवं नव दुर्गा मंदिर आठ धाम के द्वारा भंडारे का किया गया आयोजन। आज श्री बालाजी मंदिर आठ बाबा वरदानी एवं नव दुर्गा मंदिर आठ धाम के द्वारा भंडारे व झांकी का किया गया आयोजन। विशाल भंडारे का आयोजन जिसमें सभी ग्राम वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, बाबा का प्रसाद ग्रहण किया। आसपास के सभी गांव के लोगों ने इस महाप्रसाद को ग्रहण किया व रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ जो सुबह से रात्रि 10 बजे तक चला। जी 6 जून को इसका स्थापना दिवस था, तो हर साल ये कार्यक्रम होता है, भंडारा होता है, सारे गांव के लोग बच्चे सब काम करते हैं, इसमें पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं गांव के। कोई व्यक्ति इससे मतलब आज के दिन कोई काम पे नहीं जाता अपने। कई साल से कराते हैं ये 9 साल हो गए। कौन कौन लोग शामिल होते हैं यहाँ पे जी? कितने लोग शामिल होता है कमंडोरे भंडारे में? भंडारे में आता हूँ 7-8 हज़ार आदमी आता हूँ। आस पास सभी गाँव के लोग आते हैं, बड़ी मान्यता है बाबा वरदानी मंदिर की। जी मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारी बता दीजिए। मंदिर क्या काफ़ी समय पहले, करीब 10-12 साल पहले की बात है। गांव में आना जाना कम था हमारा, काफ़ी कम आते आते थे, तो यूँ ही जब गांव से निकलते थे, गांव आते थे कभी कभी आते थे, तो यहां पर कुछ देखते थे कोई घूरा वगैरह गाँव में नहीं डाल देते हैं जी, तो वो पड़ा हुआ होता था और बरबस निगाह वहाँ पड़ती थी, जब आते तब यहाँ निगाह पड़ती, ये क्या है। तो एक हमारे चाचा थे गोविंद देव चौधरी, तो वो यहीं रहते थे, तो उनसे हमने पूछा कि यहाँ क्या है चाचा, कहना अरे कुछ नहीं, यहाँ पहले शिव मंदिर था, तो अब वहाँ कुछ नहीं, सब टूट फूट गया है। मंदिर क्या चबूतरा था जी का, जब टूट फूट गया हम लोग घूरा डालते हैं, तो जिज्ञासा बस अब यंगेज थी उस समय हमारी थोड़ी जिज्ञासा वो जो है हमने देखें, दो लेबर बुलाए सफाई कराए, तो वहाँ ये शिवलिंग आप देखोगे इधर जी जी शिवलिंग है जी, ये शिवलिंग यहाँ पर थे जो सफाई कराई, बाकी चबूतरा पूरा टूटा था, तो लखौरी ईंटें उसमें लगी हुई थी और एकदम टूटा हुआ था। फिर मन में यूँ हुआ कि चलो इसको चबूतरे को बना दिया जाओ, एक भावना देखी उसको चबूतरे बनवाया, फिर और इससे लगाव बढ़ता गया, गांव के सब लोग उसमें शाम को उसमें होते रहे कि हाँ या कुछ अच्छी लगने लगा, लोग पूजा पाठ करने लगे, आने जाने लगे, तो हमको और उत्साह बढ़ा और बाबा कृपा। उस समय हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, जो बात सच है, चबूतरा बनाने के काबिल भी नहीं थे, लेकिन फिर भी एक मन में हुआ चलो बनाए। फिर ऐसे धीरे धीरे मन उठता गया, मंदिर बनता गया, आज आप देखोगे चारों तरफ विशाल सारी मूर्तियाँ हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।